भद्रावती तहसील के बराज कोयला खदान के प्रकल्प ग्रस्तों के न्याय मांगों को लेकर विधायक सुधीर मुंडन तिवार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इस संदर्भ में पत्रकार परिषद में भाजपा के देवराव कुंडे ने जानकारी दी। भद्रावती तहसील के बरांस कोयला खदान में प्रकल्प ग्रस्तों के अनेक प्रश्न प्रलंबित है। यह खदान शुरू होने पूर्व दोनों शासन में करार हुआ था। इस करार में जो बातें अंतर्भूत थी उन बातों की अमल बचाने का काम जिला प्रशासन का है, लेकिन 2020 से खदान शुरू हुई तब से लेकर शासन प्रशासन ने प्रकल्प ग्रस्तों की ओर अनदेखी की। इसके लिए कई प्रयास भी किए गए, कई आंदोलन किए गए, कई बैठक भी ली गई, लेकिन इस पर केवल आश्वासन ही मिला, प्रत्यक्ष अमल बचावनी नहीं हुई। इन सारी बातों को ध्यान में लेकर 13 अक्टूबर को विधायक सुधीर मुनगन तिवारी इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा आंदोलन बराज कोयला खदान में किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में देवराव भोंगले ने की। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक प्रकल्प ग्रस्तों को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन शुरू रहेगा। पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के देवराव भोंगले, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलबाड़े, जिला महामंत्री नामदेव डाहुले, भाजपा प्रवीण ठेंगने, प्रकल्प ग्रस्त तथा सभापति पंचायत समिति भद्रावती नरेंद्र जीवतोड़े, तालुका महामंत्री भद्रावती यशवंत वाघ, जिला परिषद सदस्य प्रवीण सूर, जिला परिषद सदस्य मनीषा ठेंगने, सरपंच ग्राम पंचायत बरांच मोकासा रमेश भुकिया, उप सरपंच ग्राम पंचायत बरांच संजय ढाकने, विजय रणदीवे, लक्ष्मण भुकिया, मनोहर बोढ़ाले, श्रीराम महाकुलकर, श्रीनिवास इदनूर, ग्राम पंचायत सदस्य गिरजा पानघाटे, ग्राम पंचायत सदस्य भीमा कुमरे, सोमेश्वर कुड़मेथे, सुरेश सापले, प्रभाकर कुड़मेथे, रवि ढोंगे, राकेश बोमनवार तथा सभी प्रकल्प ग्रस्त किसान तथा बेरोजगार युवाओं ने हजारों की संख्या में आंदोलन में उपस्थित रहकर सहकार्य करे ऐसा आह्वान किया। भद्रावती तालुक्यातील बरांज कोळसा खाणी मध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अनेक दिवसापासून त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे। ही खाण सुरू होण्यापूर्वी या ठिकाणी दोन शासनामध्ये करार झाला होता आणि त्या करारामध्ये ज्या गोष्टी अंतर्भूत होत्या त्या गोष्टीची अंमलबजावणीचं काम हे जिल्हा प्रशासनाचं आहे। परंतु दुर्दैवानं 2020 जेव्हा पुन्हा खाण सुरू झाली तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर हेतु पुरस्परपणे शासन आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केलं आणि म्हणून आमची या ठिकाणी मागणी आहे की आम्ही अनेक प्रयत्न केले, आंदोलनं केले, बैठका केल्या, परंतु यामध्ये फक्त शासनाने किंवा एमटा प्रशासनाने आम्हाला फक्त उत्तर दिले परंतु प्रत्यक्षामध्ये मात्र अंमलबजावणी झाली नाही आणि म्हणून 13 तारखेला आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पक्षातर्फे एक मोठं आंदोलन आम्ही त्या ठिकाणी बरांज कोळसा खाणीमध्ये करणार आहोत आणि जोपर्यंत त्या ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणार नाही हे आंदोलन सुरू राहणार आहे। यातल्या प्रमुख मागण्या काय आहे तर त्या ठिकाणी कामगारांचं वेतन द्यावं, डिसेंबर 2020 कामगारांचं वेतन नाही आहे, वेतन द्यावं, जे उर्वरित प्रकल्पग्रस्त आहे त्यांना नोकरी द्यावी, कराराप्रमाणे 7 वर्षानंतर 50% जमीन ही त्या शेतकऱ्याला परत करण्याचा करार झाला, मग ती जमीन परत करावी, त्या ठिकाणच्या स्थानिक बेरोजगारांना, एकीकडे कायदा म्हणते की 80% स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, मग या प्रकल्पामध्ये 80% स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार मिळाला पाहिजे अशा प्रमुख मागण्यासह भारतीय जनता पक्षातर्फे तीव्र आंदोलन 13 अक्टोबरला सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही करण्याचं ठरविलं आहे।